बात बताइए, इस लेप में इतना क्या खास है जो बाकी ऑइंटमेंट और दवाई में नहीं है? हाँ पुड़बक, आपको क्या लगता है हम बिना सोचे जाने आपको कच्छू भी चिपका रहे हैं का? अब देखिए डॉक्टर साहब, आपका ये जो दवाई है ना वो 1+1 2 जैसा है, पर हमारा ये जो पेसल वाला लेप है वो 1 और 1 जोड़कर 11 जैसा है। कहे कि इसमें हल्दी है जो आपका ये सूजन दूर कर देगा, और कूट-कूट के नीम के पत्ते भी डाले हैं, उससे आपका दर्द छूमंतर हो जाएगा। वैसे ये हमारी अम्मा का नुस्खा है, इसमें गाँव की मिट्टी का धुआं है और हमारा प्यार। साहब हम चलते हैं। रानी, आपको याद है आप मुझसे कहा करती थी कि आपके बाबूजी साल में 1 बार गांव आते थे, सिर्फ 1 महीने के लिए, और पूरा साल आप उस 1 महीने का इंतजार करती थी। जब आप नहीं थी मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता था, एक दिन 1 साल के बराबर हो गया था मेरे लिए। छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलई के, नैना मिलई के, नैना मिलई के, छाप तिलक सब छीन रे मुझसे नैना मिलई के। क्या हुआ, ऐसे क्या देख रही हैं आप? कुछ लगा है क्या मेरे चेहरे पे? नहीं। डॉक्टर साहब, हम ना आपसे कहना ही भूल गए, रसोई घर में ना पानी का घड़ा रखा है। अब बताइए, हम गांव से इतना दूर आ गए हैं पर यहाँ भी लोग घड़े से पानी पीते हैं। हमें तो वो मशीन वाला फ्रिज का पानी बिल्कुल भी नहीं जमता। जब तक घड़े से पानी नहीं पी लिया तब तक प्यास नहीं मिटता हमारा। जानता हूं मैं, बिरजू ने बताया था मुझे। जब हम लोग आपको ढूंढ रहे थे तो उस वक्त कुछ किस्से सुनाए उन्होंने। ये घड़े वाला एक किस्सा था, उसमें बहुत परेशान थे वो आपके लिए। रानी, मुझे लगता है कि आपको एक बार उनको फोन करके बात कर लेनी चाहिए। आप बात करेंगी तो अच्छा लगेगा उन्हें। हाँ, सही बोले आप। वैसे बिरजू है तो पूरा पगलेट, पर हमारा बहुत खास दोस्त है। अब वैसे हम सोच रहे थे कि 1-2 बार घर वालों से भी बात कर लेते हैं। आप घर की चिंता मत कीजिए, मैंने नंदिनी से बात की है, सब ठीक है वहाँ पर। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि दादी साहब और पापा को कियारा के साथ जो हुआ उसके बारे में पता चले, खामखा परेशान होंगे वो। हाँ, बात भी सही है। ठीक है डॉक्टर साहब, हम अपना काम निपटा कर बिरजू से बात कर लेंगे। कैसा काम? कोई काम नहीं करेंगी आप? डॉक्टर साहब नहीं, मैं मना कर रहा हूँ ना। देखिए रानी, अगर आप कुछ काम करेंगी तो मैं दोबारा आपका ये लेप नहीं लगाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। अरे आप इसे धमका कर रहे हैं? तो फिर 6 फुट यानी 72 इंच यानी 1.29 मीटर के इंसान हैं आप, लंबे चौड़े, पर जिद आप बच्चों वाली ही करते हैं। कम से कम आपके लिए हल्दी वाला दूध तो बना सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, देखिए। लो, शैतान का नाम लिया शैतान हाजी। बिरजू का फोन है, बात कर लेते हैं उससे। बिरजू का हालचाल कैसा है? अभी तुझे याद कर रहे थे, पता है? यादों में ही जिंदा रख तू बस, तू हमें। हाँ, फोन का ही नहीं कि तू हमें। तुझे मालूम भी है हमें तेरी कितनी चिंता हो रही थी। तू ना रानी बचपन से ऐसी ही है, रस्सी से लटक करके नदी में कूदी मारेगी। फोन का नेटवर्क नहीं आएगा ना तो ऊका डंडा लाने के लिए तू टावर पर चढ़ जाएगी, एंटीना पर। एक ठो जगह तुझे टिकना तो आता ही नहीं ना। हाँ, अरे तो डांट काहे रहा है? डांट नहीं रहे हैं, खुशी जता रहे हैं। पगली, तू सही सलामत मिल जाए तो हम माता रानी से मन्नत भी मांगे और प्रसाद चढ़ा करके आए हैं। हाँ, हम समझ सकते हैं बिरजू। डॉक्टर साहब और देवर जी दोनों बहुत ही परेशान थे, पर अब हम वापस आ गए हैं तो चिंता की कोनो बात नहीं। वैसे भी डॉक्टर साहब है ना हमारे साथ, हमारा ध्यान रखने के लिए। जानते हैं, और वो हमेशा तेरा ख्याल रखेंगे, ये बात भी जान गए हम। सुनना बिरजू, अब भाऊजी कैसे हैं? अरे वो भी ठीक है, तू मिल गई ना तो वो भी निश्चिंत हो गए हैं। अब बात करा ना हमारी उनसे। हाँ हाँ कराते हैं हम, बस वो सो रहे हैं, कराते हैं अभी। अच्छा सो रहे का? नहीं नहीं रहने दे, सोने दे उन्हें, हम बाद में बतिया लेंगे। हाँ ठीक है, हम बता देंगे उनसे कि तेरा फोन आया था। आराम से। हाँ विक्रम, इतना स्ट्रेस मत लो, मैं ठीक हूँ अब। जूस भी पी लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ओके रानी, वो जूस लेके आना मेरे लिए। अब जूस? बहरी हो क्या? अच्छा ओ हाँ। हेलो हेलो रानी। विक्रम, वो मैं रूम में थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। रानी, मेरा कमरा साफ किया तुमने? जी। अभी 10 मिनट में साफ कर देते हैं। 10 मिनट में कैसा कमरा साफ होता है ना, वो मुझे अच्छे से पता है। कब से बोल के रखा है, अब तक किया क्यों नहीं तुमने? अब मुझे आराम करना है, कहाँ जाऊँ मैं? रिलैक्स कियारा, रिलैक्स, रेस्ट करना है ना, मेरे रूम में कर लेना। मानी तबीयत ऑलरेडी खराब है, इतना स्ट्रेस मत दो बॉडी को, तबीयत और खराब हो जाएगी। नो विक्रम, आई मीन जिसका काम है उसे समझना चाहिए ना ये। और हॉलीडे पे हम आए, ये नहीं। एक काम था वो तो एटलीस्ट टाइम पे कर लेती, फिर अपने गांव वालों के साथ बात करती। क्या हो रहा है इधर? इतना शोर क्यों हो रहा है? तो रानी को एक काम दिया था, वो भी उसने टाइम से नहीं किया। खड़ी क्या हो, जाओ जाके जूस लेके आओ, और कमरा भी साफ करना, मुझे फिर आराम करना है। एंड नाउ वीर, शाम को फिर बाहर भी तो जाएंगे, राइट वीर? रानी, आपके लिए जूस क्यों बनाएंगी कियारा? एक्सक्यूज मी, तो क्या मैं बनाऊंगी? वो नौकरानी है तो वही करेगी ना। अब कियारा, ब्रो के कहने का मतलब है कि कुक तो जय है ना, तो ये क्यों बनाएंगी, वो बनाएगा ना जूस। बावर्ची बाहर सामान लेने गया और जब तक वो नहीं है तो क्या रानी मेरे लिए जूस नहीं बना सकती? आप थोड़ी देर बाद जूस नहीं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब रहने दीजिए, अब जूस ही तो बनाना है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस सब फल लेकर सारा मिक्सर में डालना है, उसे सर्र करके चलाकर सारा रस निकालना है और छनाछन छानना है, हो गया। रानी लेकिन आप अभी बना लेते हैं, आप चिंता मत कीजिए, हम अभी आए। अब आपका कमरा भी एकदम चौचक साफ कर देंगे हम, ठीक है? अब क्या तुम भी रेस्ट कर लो, तुम्हें चक्कर आ गए थे ना। बेचारी दिन भर काम में बिजी रहती है, खाना खाने तक का टाइम नहीं है उसके पास। रस बना लिए, कपड़े भी धो दिए, कमरा भी साफ कर लिया, अब इस्त्री खत्म करके आराम से बैठकर बाबूजी के साथ बतियाएंगे, इसे जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। इसमें क्या करते हैं? पानी? छोड़िए, रहने दीजिए, आप आराम कीजिए, आपको आराम की जरूरत है। आराम की जरूरत आपको भी है रानी। आप फिर से जिद पर अड़ गए। देखिए, हम मानते हैं कि थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, पर करते करते सीख जाएंगे। यही तो मैं नहीं चाहता रानी, आपको ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, कियारा जी आखिर है कौन? कौनो अनजान थोड़ी ना है, आपके परिवार और उनके परिवार के बीच में कितना पुराना रिश्ता है, दोस्ती है आप लोगों के बीच में। और किसी अपने के लिए कोई काम करना मजबूरी या बोझ नहीं होता, कुछ ही दिनों की बात है, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। टेम का सबसे अच्छा बात यही तो होता है, हमेशा बदलता रहता है, आज कुछ है कल कुछ और होगा, पर टेम हमेशा बदलेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। अब डॉक्टर साहब अभी आपको चलना चाहिए, इन कुछ दिनों के लिए हम आपके बराबरी में नहीं खड़े हो सकते। अगर कियारा जी हमें साथ में देख लेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, वैसे भी आजकल आप कभी भी फिसल जाते हैं और कुछ भी बोलने लगते हैं, उनके सेहत के लिए सही नहीं होगा ना। ई सही कह रही हैं आप, लेकिन रानी सिर्फ कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद मैं वादा करता हूं आपसे कि कियारा को सब सच बता दूंगा। और तब तक अगर आपको लगता है कि आप मेरे बराबरी में नहीं खड़ी हो सकती तो ठीक है, लेकिन मैं आपके साथ तो खड़ा हो सकता हूं ना, पति हूं मैं आपका, हर मुश्किल में साथ निभाने का वादा किया है मैंने। रानी हाथ ले अपना, ठीक है आप चला तो नहीं। काम डाउन, देखिए मेरी बात सुनिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, काम डाउन। काम डाउन? हम किसी काम के नहीं रहे, आप कह रहे काम डाउन, हम तो गए काम से, मेरी बात सुनिए, समझ में नहीं। रानी स्टॉप, मैं कल नई ड्रेस ला दूंगा, सेम इसी की तरह है, प्रॉमिस। कियारा को कुछ पता नहीं चलेगा, ओके? छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप नहीं जानते लड़कियों को, लिपस्टिक कपड़े उनका जुनून होता है, उनको जरूर पता लग जाएगा, हम कह रहे हैं आपसे। मुझ पे भरोसा करती है ना आप? मैं संभाल लूंगा सब कुछ, कियारा को कुछ पता नहीं चलेगा, आई प्रॉमिस। पक्का? ठीक है, फिर हम उनके दवाई का इंतजाम कर देते हैं। खड़ी क्या हो, जाओ जाके जूस लेके आओ और कमरा भी साफ करना, मुझे फिर आराम करना है। रानी आपके लिए जूस क्यों बनाएंगी कियारा? वो मेड है तो वही करेगी ना। अरे क्या फायदा हम जैसा दोस्त होने का ससुरा, जो रानी पर हो रहे अत्याचार को रोक भी ना पाए। अरे चल कर आए हुआ, पता लगाना पड़ेगा। हमें एक ही आदमी है जो बता सकता है मैं सच, डॉक्टर। वो भी तो कम नहीं है, साना है वो भी तो, कोई भी कहानी चिपका देगा हमको फोन पे। कुछ तो सोचना पड़ेगा, मैं कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे सारे सवालों के जवाब अपने आप बिन पूछे मिल जाए। सब समझ आ गया ना? ये कपड़ा सही जगह और सही समय पर पहुंच जाना चाहिए। आपका काम हो जाएगा, बस आप मेरा ध्यान रखिएगा। अरे चंपा डार्लिंग, तुम तो हमारी जान हो। चलो भी जाओ यहाँ से, किसी ने साथ में देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। जी। पॉपकॉर्न का इंतजाम कर लो जयसिंह। वीर और रानी के रिश्ते की बर्बादी का क्लाइमेक्स अब शुरू होने ही वाला है। लगता है सुबह की डांट का असर हो गया तुम्हें। जाओ जाके क्लोजेट में रख देना इसे। जी। अच्छा रुको, मैं भी तो देखूं कि कैसा काम किया तुमने। झाला ना कियारा जी, अब वो आप ही के तो कपड़े हैं, इसमें क्या देखना। और इसे से हमने सजा के रख दिया है, खराब हो जाएगा तो हम रख देते हैं। जितना कहा है उतना करो। जी। उम्मीद नहीं थी, पर गुड जॉब, जल्दी काम समझ लेती हो तुम। अब बस आपकी तसल्ली हो गई, हमारे लिए यही काफी है। रख देते हैं इसे अलमारी में, दीजिए। हाय माता रानी, इस बार तो बच गए। अच्छा हुआ कियारा जी ने उस टेरेस के बारे में ना ही पूछा। बस डॉक्टर साहब संभाल ले और इनके याद आने से पहले वो नया वाला ले आए। अच्छा सुनना जी, खिड़की खोल देना, मुझे आजकल एसी में बहुत ज्यादा ठंडी लगती है। तो ठीक है, रख देते हैं। क्या हुआ, लाइट ऑन क्यों किया आपने? नींद आपको आ नहीं रही है, बेड पे तब से करवटें बदल रही, तो लाइट ऑन करके बैठ ही जाते ना। वैसे ब्रो एक बात तो बताओ, ये है कौन जिसकी याद में आपकी नींद आपसे दूर भाग गई? कैसी याद? मुझे किसी की याद नहीं आ रही। ओके, वो बस डिनर के बाद कॉफी ज्यादा पी ली थी तो नींद नहीं आ रही बस। ये कॉफी का नशा नहीं है ब्रो, ये तो प्योर क्रम। स्टॉप इट। अच्छा गुस्सा कर लो मुझे, अब मैं क्या करूं अगर आपकी आंख में साफ साफ दिख रहा है तो? अरे याद आ रही है तो जाके बोल दो ना, मिल लो। नहीं मिल सकता, अब वहां कियारा भी होंगी ना। कियारा होगी इसका मतलब भाभी साहब से मिलना है, भाभी साहब से मिलना है। ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी थी, वो बात रह गई, इसलिए उनके बारे में सोच रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, जरूरी बात करनी है ना तो कल कर लेना, इतनी लोड कर लेनी। लोड? मैं कहाँ लोड ले रहा हूँ, मैं तो बस अपना बेकार में परेशान करते मुझे, समझे? सो जाइए आप चुपचाप। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। जब जब डॉक्टर साहब से अपनी दिल का हाल बयान करने जाते हैं, होनो अडंगा हमेशा बीच में आ जाता है और जब ना हो तो हमारी जुबान पर ही ताला लग जाता है। भावला मन इतना भारी हो गया है कि लग रहा है जमीन में ही ना धंस जाए। अब उन्हें बताना ही होगा। हे माता रानी, इस बार नैया पार लगा दो।